आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं क्या है आज की हेडलाइन। प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालते ही सिद्धू ने दिखाए तेवर। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जासूसी कांड की हो न्यायिक जांच, और प्रधानमंत्री को भी लाना चाहिए इस जांच के दायरे में, कहा राहुल गांधी ने। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन करने जा रहे हैं भारत भ्रमण, रक्षा आतंकवाद समेत कई अहम मुद्दों पर हो सकती है बातचीत। तालिबान पर एयर स्ट्राइक के दौरान 30 तालिबानी आतंकी ढेर, 17 घायल। शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार मंच से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालते ही मंच का नजारा कुछ इस तरह से बदला कि पहली बार कोई नेता अपनी ही पार्टी की सरकार को घेरता हुआ नजर आया। इतना ही नहीं, मंच से भाषण के दौरान भी सिद्धू ने कैप्टन का नाम तक लेना नहीं जरूरी समझा, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने भाषण में 3 बार सिद्धू का नाम भी लिया। और इतना ही नहीं, वर्करों से सिद्धू का सहयोग करने को भी कहा। कैप्टन ने 3 मंत्रियों बलबीर सिंह सिद्धू, ओपी सोनी व विजय इंद्र सिंगला के नाम को सराहा, तो जवाब में सिद्धू ने सुख सरकारिया, सुखजिंदर सिंह रंधावा व हरीश रावत का नाम लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग व शिक्षा विभाग के काम की तारीफ की, तो सिद्धू ने ईटीटी शिक्षकों व डॉक्टरों की हड़ताल का जिक्र कर दिया। मतलब साफ था कि सिद्धू अपनी ही सरकार पर इस तरह से तंज कस रहे थे जैसे कोई नेता विपक्ष पे निशाना साध रहा हो। मन की कड़वाहट इतनी ही काफी नहीं थी। जब सिद्धू भाषण देने के लिए उठे तो सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इससे यह तो एकदम साफ है कि भले ही टी पार्टी के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू इकट्ठे दिखाई दिए हों या फिर शब्द समारोह के दौरान, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के दिलों की दूरियां कम नहीं हुई हैं। पेगासस जासूसी विवाद को लेकर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे देशद्रोह करार दिया। पेगासस जासूसी विवाद को लेकर सदन के अंदर बीते दिन शुक्रवार को विपक्षी दलों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए राजनेताओं, पत्रकारों समेत कई प्रमुख हस्तियों के फोन की जासूसी की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने पोस्टर बैनरों के साथ जासूसी को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए इसे देशद्रोह तक करार कर दिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने आतंकवादियों और अपराधियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल देश के लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं के खिलाफ किया है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके हर फोन की टैपिंग और दिनचर्या की जासूसी की जाती है। जासूसी प्रकरण को लोकतंत्र की आवाज दबाने का प्रयास करार देते हुए राहुल ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग उठाते हुए कहा है कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जासूसी कांड की न्यायिक जांच होनी चाहिए और प्रधानमंत्री को भी जांच के दायरे में लाना चाहिए। और उधर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन 27 जुलाई को 2 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचने वाले हैं। इस दौरान ब्लिंकन पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगी। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनाव के बाद और ब्लिंकन के अमेरिकी विदेश मंत्री का पदभार संभालने के बाद उनकी यह पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन मंगलवार यानी 27 जुलाई को भारत दौरे पर आ रहे हैं। वह 2 दिनों तक 27 और 28 जुलाई को भारत की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान ब्लिंकन पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे। ब्लिंकन सोमवार शाम वाशिंगटन से रवाना होंगे और मंगलवार 27 जुलाई देर रात नई दिल्ली पहुंचेंगे। बुधवार 28 जुलाई को अमेरिका के विदेश मंत्री भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन भारत दौरे में सुरक्षा, रक्षा, साइबर और आतंकवाद विरोधी सहयोग के विस्तार के एजेंडे समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान की सेना अपने इलाकों को तालिबानियों के चंगुल से छुड़वाने का लगातार प्रयास कर रही है। अफगानिस्तान की वायु सेना ने तालिबान पर एयर स्ट्राइक की है। इस एयर स्ट्राइक में 30
तालिबानी आतंकी मारे गए हैं और 17 के घायल होने की खबर सामने आई है। बीते दिन शुक्रवार को दो प्रांतों में अफगान वायुसेना के हवाई हमलों में 30 से अधिक तालिबानी आतंकवादियों के मारे जाने और अन्य 17 के घायल होने की खबर है। देश के रक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार दक्षिणी हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्कर गाह के बाहरी इलाके में वायुसेना के हमले में दो गैर अफगान आतंकवादियों सहित 14 तालिबानियों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गई। 3 आतंकवादी वाहन, 6 मोटरसाइकिल, 2 बंकर और उनके हथियार और गोला बारूद की एक बड़ी मात्रा को भी नष्ट कर दिया गया। बता दें कि ये हवाई हमले ऐसे समय में किए गए हैं जब अफगानिस्तान में हिंसा में वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि तालिबान ने अफगान बलों और नागरिकों के खिलाफ अपने आक्रमण को तेज कर दिया है और कुछ ही हफ्तों में विदेशी सेनाओं की पूर्ण वापसी के बाद से यह हिंसा बढ़ गई है। आप देख रहे थे आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें जो एशिया भर टीवी सेना के साथ। कल नई और ताजा अपडेट के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।